अब चुनाव के वक्त भी अपना वादा पूरा नहीं कर रहे हैं, इसलिए बढ़ रहा है। बहरहाल तमाम नौजवान जो अंधेरे में पड़े हैं और तमाम सारे राजनीतिक दल जो बटवृक्ष बन गए, बरगद बन गए, उनके लिए आज साहित्य में लिखता हूं कि जुगनू भी मेरे घर में चमकने नहीं देते और कुछ लोग अंधेरे को सिमटने नहीं देते। और हम हैं कि नई पौध लगाने पर तुले हैं, कि बरगद हैं कि इन पौधों को पनपने ही नहीं देते। जनता अगर बहक गई तो उसको फिर 5 साल झेलना पड़ेगा, हार उसी की होगी। तो सुनिएगा कि चुनाव की ऐसी तैयारी होगी और महंगी गाड़ी छोड़ अब साइकिल की सवारी होगी, और हाथ जोड़े खड़ा होगा वो और दिल में फिर भी मक्कारी होगी, और जो लगाएगा पैसा प्रचार प्रसार में उसके बाद में उसकी भी घोटालों में हिस्सेदारी होगी। और तुम्हारे वोट से वो तो जीत जाएगा लेकिन हार तुम्हारी करारी होगी। हम तो ये कहेंगे कि अदम गोंडवी साहब ने लिखा है कि चांद है जेरे कदम, सूरज खिलौना हो गया, हाँ मगर इस दौर में किरदार बौना हो गया। और ब्राह्मणों के लिए कहा गया है कि दुआ किसी को दिलाती है तक तो ताज, मगर किसी की आह भी हुकूमत छीन लेती है। चलिए आज गोपालदास नीरज साहब ने एक शेर लिखा है और उसको आप पढ़िएगा, और इसके तमाम अर्थ हैं और ये सबको शांति और सुख देगा ये शेर कि सब कि सच जब मर जाएगा फिर क्या यहाँ रह जाएगा, एक सिसकता आंसुओं का कारवा रह जाएगा, और प्यार की धरती अगर बंदूक से बाटी गई तो एक मुर्दा शहर अपने दर मियां रह जाएगा, और आग लेकर हाथ में पगले जलाता है किसे, और जब ना ये बस्ती रहेगी तो फिर तू कहाँ रह जाएगा। हम सबको इस देश के अन्नदाता और किसानों के साथ रहना होगा और अंतिम दम तक रहना होगा, क्योंकि उनसे हमारा आपका पेट भरता है, हमारा देश चलता है। कि जो तुम कर रहे हो वो हम देखते हैं, और किसानों पर होते सितम देखते हैं, और किसानों की मेहनत नश्रम देखते हैं, बस उनकी बगावत और दम और खम देखते हैं। और जिन्हें अन्नदाता बुलाती है दुनिया, अब उनकी परिस्थितियां हम विषम देखते हैं, और तुम्हारी निगाहों पर पट्टी बंधी है, मगर खुदा की कसम हम सब देखते हैं कि ब्राह्मण तमाम दलों के लिए गले कटाता रहा है लेकिन उसको उचित सम्मान नहीं मिला है। ब्राह्मण के लिए मैं 4 लाइन पढ़ता हूँ कि मैं सांसें तक लुटा सकता हूँ उसके एक इशारे पर, मगर वो मेरे हर वादे को सरकारी समझता है, और मैं एक एक लफ्ज की पहचान बन जाता हूँ महफिल में, वो पागल मगर मेरे इस फन को मक्कारी समझता है।